गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है, कल हम लोग थोड़ा चिरापुंजी साइड गए थे, डबल डेकर ब्रिज रह गया था हम लोगों का, तो आज हम लोग जा रहे हैं। अभी सुबह के 8:30 बज रहे और थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। गाड़ी पे मैंने टॉप बॉक्स लगा लिया है, एक मिनट भाई वो हो गया। सो अभी टॉप बॉक्स लगा लिया है और यहाँ से भाई 2 घंटा लगेगा ट्रैक करने के लिए, 2 घंटा लगेगा मतलब नीचे जाने के लिए। नीचे जाने के लिए 2 घंटा, ऊपर आने के लिए 2 घंटा भाई। तो अभी चलते हैं यहाँ से, तिरना विलेज है जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं बाइक से। उसके बाद हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा और फिर वहाँ से नीचे उतरने के लिए 1 घंटा लगता है ऐसा बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली स्लो जाएगा तो 2 घंटा लग जाएगा भाई। ऊपर आने के लिए 2-3 घंटा और लगेगा, तो मतलब आज का पूरा दिन हम लोगों का ट्रैवलिंग में ही जाने वाला है। सो चलते हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, घर पे अंडा बनाया था, बॉइल्ड एग की खाया हम लोगों ने। सो अभी सीधा रास्ते में वो एक जगह पे रुके थे कल हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए, वहाँ रुकेंगे डायरेक्ट चाय पीने के लिए भाई। अभी यहाँ से चलते और होपफुली व्लॉग आखिरी तक आप लोगों को अच्छा लगेगा और भाई एंजॉय करना, बहुत अच्छे डिटेल्स देने वाला इसमें कैसे पहुँचा जा सकता है तिरना विलेज बाइक से। ये गाइस यहाँ रुके और ये लिया है मैंने कितने चाय और ये नड्डे खा रही है भाई। यहाँ से और 1 घंटा लगेगा, इधर साइड बता रहा था मैं, यहाँ साइड जिप लाइनिंग होती है, एक व्यू पॉइंट भी अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। और यहाँ से चलते हैं, लगा था ना ये देखो भाई, यहाँ से है 3 किलोमीटर वॉक करना है भाई अपने को। और कुछ देखो यहाँ पे इतने साइड सीन है, ये देखो भाई ये कुछ है यहाँ पे ऐसा 4-5 चीज़ें। और ये तिरना विलेज करके नाम से, यहाँ से हमको नीचे वॉक करना है। ये देखो भाई यहाँ पे होम स्टे वगैरह है, अगर आप लोगों को रुकना है तो यहाँ रुक सकते हो सीधे से यहाँ पे, गाँव है भाई छोटा सा। हेलो, तो ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है भाई, जो दो पेड़ का ना जो रूट्स होते हैं ना उनका संगम से बना है ये तो पेड़ों का संगम से। तो ये एक यूनिक इन द वर्ल्ड है भाई, जो आप लोगों को सिर्फ मेघालय में देखने को मिलेगा। अभी 1 घंटा तो लगेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भी है और डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भी है, दोनों भी हैं। आप लोगों के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। अब अगर आप लोग सिंगल लिविंग रूट ब्रिज जा रहे हो तो गाइड लोगे तो गाइड आपसे चार्ज करेगा 700, और डबल डेकर तक जाओगे या फिर रेनबो फॉल तक जाओगे तो आपसे 1000 रुपीज़ गाइड चार्ज करेगा भाई। अगर आपको लगता है गाइड लेना चाहिए तो गाइड ले लेना, क्योंकि शायद सामने रास्ता वास्ता भटक जाए। हम तो भाई भटकने के लिए आए, इसलिए हम लोगों ने गाइड नहीं लिया। तो चलते हैं, बहुत नीचे तो नहीं बोल सकते लेकिन कम से कम 0.5 किलोमीटर तो आगे, 3 किलोमीटर जाना है भाई ऊपर से नीचे तक। बीच बीच में आपको ऐसा खाने का स्टॉल मिल जाएगा, ऐसे फ्रूट्स और पानी वानी ले सकते हो। और हरी कीर्ति जा रही है धीरे धीरे, हम लोग भी जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग तो सिंगल डेकर तक आ गए तो बहुत ही कितना टाइम ले लिया आपको वहाँ से सिंगल डेकर से आते आते? हाँ ऊपर 1 घंटा हो गया अभी, लेकिन आगे 2-3 घंटा लगेगा चढ़ने के टाइम पे। अच्छा, हाँ लेकिन वो डबल डेकर तक अभी नहीं जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपको जाए स्टे करना पड़ेगा बहुत मुश्किल है, सिंगल डेकर तक ही मुश्किल है बहुत। ठीक है कोई बात नहीं, चलो थैंक यू बाय। बहुत जल्दी जल्दी नीचे, तो भाई हम लोग होपफुली 1/2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए हम लोगों की स्पीड से, क्योंकि ऊपर आते समय टाइम ऑब्वियसली लगता है, लेकिन देखते कितने जल्दी जल्दी ऊपर आ पाएंगे, पहले पहुंचेंगे अपन पहले जाके। ये देखो फ्रेंड्स कितना नीचे तक जाना है, पूरा वो पूरे जंगल के बीच बीच में जाना है, नीचे से रिवर बह रही है और जाते हैं नीचे। बहुत नीचे कोई तो छोटा सा गाँव भी है, वहाँ पर भी चलेंगे। ये भाई कुछ लेके आ रहा है ऊपर से, ये लोग थकते नहीं है,
देख कितना कंफर्टेबली आ रहा है वो। 1000 स्टेप ऑलमोस्ट हो गए, 1000 या 1100 के आसपास हुआ है और 2500 बचे हैं। संभल के संभल के, इधर ही गिरेगी भाई। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है ये, नीचे जाते समय तो तकलीफ देती है लेकिन ऊपर आते समय बहुत काम करती है भाई। जितने छोटे स्टेप रहते हैं ना उतना इजीली आदमी ऊपर चढ़ पाता है। इधर दो रोड दिख रहे होंगे आपको, ये रोड जाता है सीधा सिंगल डेकर ब्रिज के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे, 15 मिनट के आसपास लगता है। नीचे जाना है अपने को डबल डेकर के लिए। तो देखो भाई कितनी बढ़िया आंटी, देखो भाई मत जाओ, डबल डेकर चल जाओ। कितना टाइम लगा आपको ऊपर आने के लिए अभी? कौन पालकी? तो पालकी रखा है ना वहाँ पे, को क्या रखा है पालकी? बाबा সিঁড়িয়া কাহা তক আছে? লাস্ট তক সিঁড়িয়া সিঁড়িয়া गाइस ऑलमोस्ट 2500 स्टेप्स नीचे आ गए और लास्ट के अभी 1000 बचे हैं। यहाँ पे इस रूट पे जाओगे 3 मिनट्स पे सिंगल डेकर ब्रिज है। ऊपर साइड पे एक ब्रिज था सिंगल डेकर ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज भाई। कुछ स्टील वेल यूज़ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जो पेड़ के जो रूट्स होते हैं ना उसको बहुत सालों तक उन्होंने जोड़ के रखा है, तब जाके ये ब्रिज बना है। तो हमको इस रोड पर जाना है इस साइड, तो इधर साइड सिंगल डेकर है, इधर साइड डबल डेकर है। तो ये इस साइड चलते हैं, देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। वैसे तो ऊपर थोड़े ऊपर में कुछ 100-200 स्टेप्स ऊपर भाई बोल रहे थे कि 30 मिनट लगेंगे करीब। ये भाई रूट डाइवर्जन के बीच में ना कुछ लोकल शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको मैगी जूस अंडा वंडा सब मिल जाएगा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलते हैं। सामने और जाएंगे थोड़ा सा, देखते कितना नीचे जाना है। तो कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, देखो इन लोगों का तो रोज का ऊपर नीचे है भाई, कपड़े भी सुखाए, इनका घर भी है यहाँ पे। और हम लोग जाते हैं नीचे, अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो मंजिल पास ही है। ये सीढ़ियाँ थोड़ी इजी लग रही है, यहाँ से हम लोग इजीली ऊपर आ सकते हैं। देखो यहाँ पे घर भी है, सामने दोस्त लोकल्स है कुछ, उनसे भी कुछ थोड़ी सी बात करते हैं अपन। यस पाइन एप्पल लिए खाने के लिए, थोड़ा सा ना ये थोड़ा एनर्जी जैसे काम करता है। और स्टिंग लिया है एनर्जी बूस्टर वाला ड्रिंक, वो भी पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और शायद से 15-20 मिनट लगेगा। और सो कल हम लोग गए थे वो मौसमी केव, और आज हम लोग आए हैं भाई डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मस्ट सी प्लेस इन मेघालय भाई। इसको नहीं देखोगे ना तो आप लोग मेघालय को असली से एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत ही मज़ा आता है भाई ये ट्रिप करने में। वो बैम्बू वाला तो अलग ही लेवल का था, इसमें तो सीढ़ियाँ हैं फिर भी हम लोग भाग भाग के जा रहे, तो मज़ा बहुत आ रहा है। गाइस शायद से हम लोग फर्स्ट पड़ाव पे पहुंच गए। यहाँ पे एक ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है भाई, ये लिविंग रूट ब्रिज नहीं है। बहुत ही अच्छी रिवर बहती है वहाँ जाता हूँ, इतना सुंदर आवाज़ आ रहा है ना भाई, ये रिवर बह रही है यहाँ से। तो अंदर नीचे जाते हैं, मैं दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है भाई। कितना ब्यूटीफुल व्यू है यार यहाँ पे। भाई दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रिज हियर, और ये भाई लोहे से बना है। देखो भाई इतना बढ़िया लग रहा है, इधर से रिवर बह रही है, तो इधर देखो यार पीछे से भी रिवर जा रही है, लोग आ रहे हैं पीछे से। चलते रहेंगे धीरे धीरे, नीचे से दिखाता हूँ मैं कैसे दिखता है ये ब्रिज। देखो भाई ब्रिज नीचे से बहुत, एक टाइम पे एक ही साइड के लोग आ सकते हैं भाई। यहाँ से गाइस अभी ऊपर चढ़ना है, देखते हैं कितना ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ से अभी नीचे से ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा भाग भाग क्या है इसलिए सांस फूल रही है। ऊपर जाएंगे, ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा शायद, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है डबल डेकर पहुँचने का, मतलब जितना ड्यूरेशन लगता है उतना वाला। तो शायद से पहुँच गए हम लोग, देखते हैं ऊपर जाके कितना और चलना पड़ता है, बताता हूँ। ये गाइस जैक फ्रूट लगे भाई, पूरा उसी के पेड़ दिख रहे हैं, और सामने भी पेड़ पे लगे हैं। हाँ देखते भाई, जंगल में आने का यही फ़ायदा होता है। गाइस यहाँ पे देखो, अंडर दिस फुटपाथ अप टू द रिवर इट्स अ सैक्रेड ग्रुप्स भाई। यहाँ से
इनका ये जितने भी पेड़ दिख रहे, जंगल दिख रहे, इनको पूछते हैं। और ये नीचे से ना बहुत ही सुंदर वाटरफॉल जा रहा है, पेड़ों की वजह से दिख नहीं रहा है लेकिन बहुत तेज़ जा रहा है भाई। और हमको लगा था कि हम लोग लगभग पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रिवर आ गए तो पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, यहाँ से और आधा घंटा का रास्ता है नीचे जाने का और जल्दी पहुँचेंगे। देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा है, यहाँ पर इधर साइड कोई भी टूरिस्ट जा नहीं सकता है भाई, यहाँ पर ना एक भी पत्ता लेके जाना या तोड़ना बहुत ही सख्त मना है, क्योंकि इनका सैक्रेड जंगल है भाई ये, तो इनकी इस जंगल की ये पूजा करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है डू नॉट प्लग एनीथिंग फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द ट्रेक भाई, डू नॉट थ्रो एनी प्लास्टिक बॉटल्स ब्रेकिंग ग्लास हियर, जो भी लिखा है देखो भाई, विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस रिवर, नदी में नहीं जा सकते भाई नदी। अभी ये एक और ब्रिज आया है, वहाँ से दिखाता हूँ मैं। देखो वहाँ से एक वाटरफॉल बह रहा है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है नीचे से, और उसके नीचे भी जो जाएगा ना पानी वहाँ से तो भाई दूध सागर जैसा है, बहुत डीप पे वाटरफॉल है। वहाँ से ऊपर से आते समय दिख रहा था लेकिन वो पेड़ की वजह से कैमरे में नहीं दिख रहा है, नीचे से रिवर जा रही है, दिस इज सैक्रेड रिवर फॉर दिस लोकल पीपल। यहाँ पे पानी भी नहीं रुके दादी, ये होपफुली हम लोगों का शायद से आखिरी पड़ाव है। ये इधर नीचे से वो आए थे, रिवर दिख रही है, ये ब्रिज से आए थे, इधर हम लोगों ने थोड़ा सा पानी पिए, 10 रुपये का बोतल, यहाँ पे 20 रुपये की मिलेगी भाई। देखो लिटरली ना रूट से बना है भाई ये पेड़ दो तीन पेड़ मिलके एक रूट ब्रिज बनाया भाई, बीच में से जाने के लिए रास्ता है और ये ड्यूरेबल है भाई, एक साथ 50 लोग घुस सकते हैं इसके ऊपर फिर भी नहीं टूटेगा ये। और ये रिवर अब ऊपर साइड जाएंगे गाइस, ये है सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भाई, इसको देख के ही मन खुश हो गया। आप लोग देख सकते हो ये दोनों पेड़ से जुड़े हैं, इसके रूट्स, ये देखो नीचे वाले रूट्स देखो, इसके बहुत साल लगते हैं भाई ये बनने के लिए, लेकिन अपना डेस्टिनेशन है सामने जो मेरे को यहाँ से दिख रहा है, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज भाई, ये दुनिया में एक यूनिक प्लेस है, यहाँ पर ज़रूर आना भाई। देखो ये सुपारी का पेड़ है भाई और इस पर लगे भी है ये वाले भी, देखो पीछे दिख रहे होंगे येल्लो येल्लो कलर के। गाइस यहाँ पे भाई हिंदी 99% लोगों को नहीं आती है, इन लोगों को ना यहाँ तो लोकल लैंग्वेज आएगी या फिर आप लोग इनसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो इंग्लिश में यार बच्चे से बच्चों को, जितने छोटे बच्चे सभी को आता है भाई यहाँ पर इंग्लिश, तो हम लोग आप लोग जितना भी डील करोगे इंग्लिश में डील करना भाई। भाई 50 रुपये पर हेड है और कितना देना है पता नहीं यहाँ पे, कितना 50 पर हेड गैस डबल लेकर इसी के लिए यहाँ तक आए थे। और ये देखो भाई यहाँ से वाटरफॉल बह रहा है, इधर अब नहाएंगे अपन और देखो यहाँ से बहुत ही सही लग रहा है भाई, ये पेड़ है और उधर से एक पेड़ है बहुत अंदर है, वो पेड़ शायद उसकी जड़ें है सिर्फ। गाइस ये है मेरे पीछे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, फाइनली भाई 1.5 घंटा लगा है, नॉर्मली यहाँ पे 2.5 घंटा लगता है लेकिन 1 घंटा हम लोगों ने कवर कर लिया। तो भाग भाग क्या है यहाँ पे फोटोज़ लिए, थोड़ी देर में आप फोटोज़ भी देखोगे। और ये मेरे साइड में एक पूल है, यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, यहाँ जाके हम लोग करेंगे स्नान। ये हो रहा नेचुरल पेडिक्योर,
ये देखो फ्रेंड्स, पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही खूबसूरत ब्रिज। सामने दो पेड़ है, उसकी जड़ों से बनाया भाई ये। और ये देखो यहाँ पे कहाँ अंदर घुस रहे पता नहीं है भाई, ये बहुत प्लांट वे साथ में बनाया, पूरा ज़मीन के अंदर जा रहा है ये। और नीचे नीचे जाते थे वहाँ से रूट्स आ रहे हैं भाई इसके, उस पेड़ के। और ये देख सकते हो इसके नीचे भी एक है, ये देखो भाई कितने अच्छे से इसको देखो, ये बहुत बड़ा रूट है भाई ये। भाई पेड़ नीचे नहीं है, पेड़ वो ऊपर है, आप लोग यहाँ से दिख रहे होगे, देख रहे होगे तो पीछे साइड। ओके गाइस, एक्सप्लोर करके कैसा लगा बिल्कुल बताना यार, और कमेंट में बताना कि और क्या इम्प्रूव कर सकते थे इसमें। भाई साहब ये कितना डेंजर लग रहा है, ये देखो भाई इतने ऊपर जाना है सिर्फ सीढ़ियों से, पूरा चोटी पे जाना है यहाँ तक, सीरियसली ये। गाइस आते समय इतना गंदा नहीं लग रहा था, आते समय तो इतने अच्छे से आ गए थे हम लोग, लेकिन अभी ऊपर जाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े कष्ट करने पड़ेंगे।